हेलो एवरीवन कैसे हैं आप आई होप आप घर पे अच्छे से होंगे तो मेरे प्यारे बच्चे लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज़ 4.5 आपके एन सी आर टी सी कम्प्लीट कर दी थी एकदम कंप्लीट कर दी थी इसके अंदर आप मेनली डिस्कस करते हो हाउ वी कैन फाइंड इन्वर्ट्स ऑफ अ स्क्र मैट्रिक्स विद द हेल्प ऑफ एडजॉइंट विद द हेल्प ऑफ को फैक्टर्स राइट तो ये टॉपिक हमने कर लिया तो आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.6 को कंप्लीट करने वाले हैं फोर में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे सिमिलर क्वेश्चन हैं दे आर ऑल सिमिलर बेसिकली आज हमको ये सीखना है फोर पॉइंट सिक्स एक्सरसाइज में हाउ वी कैन सॉल्व लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और थ्री वेरिएबल बाय मैट्रिक्स मेथड कि मैट्रिक्स मेथड से हम लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं क्लास टेंथ में भी आपने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर रखा है एलिमिनेशन मैथड सब्सटूशन मैथड उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ग्राफ मैथड है ना लेकिन वो थी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लेकिन अगर लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स आ जाए तो फिर आप मैट्रिक्स मैथड से उसको कैसे सॉल्व करोगे तो आज हम थ्री बेरियल्स वाले पे ही डिस्कशन करेंगे लेकिन उससे पहले हम ये समझ लेते हैं यार मैट्रिक्स मैथड आकर होता क्या है सिर्फ आपको मैट्रिक्स मैथड को अच्छे से समझना है मेन यार इसमें काम इनवर्स निकालने वाला ही है ठीक है एड निकालने वाला इनवर्स निकालने वाला ही काम है जो आपको पहले से आता है आपको सिर्फ मैट्रिक्स मैथड की नॉलेज लेनी है यार ये होता है मैट्रिक्स मैथड और ऐसे हम इसको अप्लाई करें ठीक है देखो जब भी आप लीनियर इक्वेशन को बच्चे सॉल्व करते हो जब भी आप लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हो तो आपके पास दो पॉसिबिलिटीज़ आती हैं उस लीनियर इक्वेशन वाले सिस्टम की दो इक्वेशन एक साथ रखी रखिए या तीन इक्वेशन एक साथ रखी रखिए वो एक सिस्टम बना रखा है दैट इज़ कॉल्ड लीनियर इक्वेशन का सिस्टम उसके दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं जहाँ तो वो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा कंसिस्टेंट का मतलब सोल्यूशन मिल रहे हैं कंसिस्टेंट मतलब सोल्यूशन आप उसको सॉल्व कर पा रहे हो और दूसरा आपका पॉसिबिलिटीज होती है इनकंसिस्टेंट क्या पॉसिबिलिटी होती है इनकंसिस्टेंट यानी वो जो तीनों इक्वेशन या दोनों इक्वेशन जो एक साथ रखी है वो सोल्यूशन इन प्रोवाइड कर रही दैट इज कॉल्ड नो सोल्यूशन तो सिस्टम कंसिस्टेंट भी हो सकता है या फिर इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है तो पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि कंसिस्टेंट कब होता है और इनकंसिस्टेंट कब होता है पहले आपको यह समझना है तो उसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं देखो हम यहां पे हम यहां पे इन जनरल इक्वेशंस लेते हैं लाइक ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड इक्वल टू डी वन तो दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल ठीक है थ्री वेरिएबल वाला डिस्कस करेंगे A2X plus B2Y plus C2Z plus D2. इसी के अंदर सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी बस आपको से lecture को complete देखना ठीक है बी थ्री वाई सी थ्री जेड इक्वल टू डी थ्री तो दिस इज वॉट दिस इज अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल तो आपके पास तीन इक्वेशन है अब यार इसी सिस्टम को आप इसी सिस्टम को इसी पूरे लीनियर क्वेश्चन वाले सिस्टम को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हो या आपने ऑलरेडी मैट्रिक्स में सीखा हुआ है कि हम इस पूरे लीनियर क्वेश्चन वाले सिस्टम को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं वो कैसे देखो आप यहां पे एक्स वाई जेड के जो कोफिशेंट है उसकी एक मैट्रिक्स बना लो जिससे आपको दिख रहा है वैसे लिख देना ठीक है ए वन ए टू ए थ्री एक्स के, के कोफिशंट आ गए फर्स्ट कॉलम में बी वन बी टू बी थ्री वाई के कोफिशंट आ गए फिर जेड के लिख लो सी वन सी टू सी थ्री ठीक इसी के साथ वेरिएबल वाली मैट्रिक्स लिखो कॉलम में एक्स वाई जेड और राइट एंड साइड में जो कांस्टेंट कांस्टेंट रखे हुए हैं ठीक है थीके? उनको हमेशा राइट right साइड ही रखो तो उसका एक मैट्रिक्स बना लो कॉलम में तो देखा आपने इस पूरे लीनियर इक्वेशन वाले सिस्टम को हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं देखो तो मैंने लिख लिया तो अगर आप इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे ये जो लेफ्ट साइड में दो मैट्रिक्स मल्टीप्लेन में आपको दिख रही है अगर आप इन दोनों मैट्रिस को मल्टीप्लाई करोगे तो वापस यार यही क्यूशन मिलेंगी देखो ना रो को आप कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाली साइड बन जाएगी ना और उसको आप कंपेयर करोगे राइट साइड में तो डी बन आ जाएगा तो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन आ गई फिर इसी तरह से जब आप रो टू को इससे मल्टीप्लाई करोगे रो थ्री को इससे मल्टीप्लाई करोगे राइट साइड में कंपेयर करोगे तो तीनों इक्वेशन वापस आ जाएंगे कहने का मतलब यार ये पूरा सिस्टम है इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं फर्स्ट तो ये स्टेप हो गया उसके बाद हमें यह समझना है कि आगे क्या करें आगे ये करना है बचे ये जो मैट्रिक्स आपको दिख रही है इनके कुछ नाम रख लो जो कोफिशेंट वाली मैट्रिक्स है इसका नाम मैंने कैपिटल ए रख लिया जो वेरिएबल वाली मैट्रिक्स है इसका नाम मैंने कैपिटल एक्स रख लिया और जो कॉन्सटेंट वाली मैट्रिक्स है इसका नाम मैंने कैपिटल बी रख लिया अब हमें क्या फाइंड करना है हम तो वेरिएबल को ढूंढ रहे हैं हम तो एक्स वाई जेड को ढूंढ रहे हैं यानी मेरे को एक्स मैट्रिक्स को फाइंड करना है मुझे एक्स मैट्रिक्स को फाइंड करना है अब इस एक्स मैट्रिक्स को फाइंड करने के लिए यहाँ से मुझे ए हटाना पड़ेगा ए मैट्रिक्स हटानी पड़ेगी तो भाई इस ए को उठा के बी की तरफ ले जाओ ऐसे नहीं उठा के ले जाना ये कोई नंबर नहीं एक मैट्रिक्स है तो इसमें टेक्निक है क्या आप दोनों तरफ इनवर्स मल्टीप्लाई कर दो प्री मल्टीप्लाई यू कैन राइट प्री मल्टीप्लाई ए इनवर्स टू बोथ साइड दोनों तरफ आप इनवर्स मल्टीप्लाई कर दो लाइक दिस ठीक है नंबर हो तो, है तो उठा के अब वहां लेके जाते हो टू ले जाए तो के ले जाओ तो मैट्रिक्स है ना पूरे मैट्रिक्स उठा के उधर ऐसे डिवाइड में नहीं दिखाना है प्रॉपर वे में एक्स का वैल्यू निकालना है तो ए इनवर्स के साथ दोनों हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ए इनवर्स ए एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी अभी जो ए इनवर्स इंटू ए है ये क्या है ये तो हमने पढ़ा प्रीवियस क्लास में प्रीवियस लेक्चर में ए इनवर्स इंटू ए आई होता है सर ओके दैट वी कैन राइट और आई इंटू एक्स क्या होता है सर एक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो तो वही मैट्रिक्स आ जाती है आइडेंटिटी चली जाती है तो भाई साहब ये देखो हमने एक कंडीशन बना दी एक्स को फाइंड करने की तो जो x है वो a इनवर्स इंटू बी फॉर्मूले से निकाला जा सकता है अब इसमें जो a इनवर्स है ये तो लास्ट टाइम वाला लेक्चर है a इनवर्स का क्या फॉर्मूला था वन बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एड ज्वाइंट ए एंड इन टू बी आधे समझ तो ये बच्चे x को फाइंड करने की हमने कंडीशन बना दी है लेकिन यहां पर मैंने फिर बताया कि सिस्टम कंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट कुछ भी हो सकता है अब वो डिपेंड कर रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे तो यहां से आपकी पॉसिबिलिटीज आप सीखेंगे कि कब कंसिस्टेंट होता है कब इनकंसिस्टेंट होता है तो इसके अंदर डिटर्मिनेंट ऑफ ए है एट जॉइंट ए इंटू बी है इनकी कंडीशंस को आपको समझना है ओके डियर अब देखो यहां पर तो सोल्यूशंस के बारे में आप समझ गए हैं कि सर सोल्यूशन तो ऐसे निकलेगा वन बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एट जॉइंट ए और साथ में बी मैट्रिक्स भी अब फर्स्ट आपका नोट बनेगा कि भाई अगर ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट ज़ीरो आया पहला स्टेप तो आपका यही रहेगा जब आप सॉल्व करने लगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इवेल्यूट करो अगर वो नॉन जीरो आया यानी ये जो ए मैट्रिक्स थी ना कोफिशेंट वाली वो नॉन सिंगुलर होगी ए मैट्रिक्स कौन सी होगी फर्स्ट केस में नॉन सिंगुलर नॉन सिंगुलर होती है जिनका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होता तो अगर आपकी ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आता है उस टाइम पे आप बोलोगे द गिवन सिस्टम Given system of equations is what consistent is consistent and has unique solution और यही आपके syllabus में बाकी जो मैं condition लिखवाऊंगा वो वैसे ही syllabus में नहीं है but उसको समझ लो ठीक है तो आपके syllabus में यही है आपका जो आपको जो question आएगा उसमें determinant of a आपका नॉन जीरो आएगा हमेशा अगर जीरो आ रहा है तो सीख लेंगे सोल्यूशन कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको लेक्चर में बता दूंगा तो ये है आपकी कंसिस्टेंट की कंडीशन ठीक है और इसमें आपका यूनिक सोल्यूशन मिल रहा है यूनिक सोल्यूशन निकालना कैसे है ये ऊपर मैंने फॉमूला लिख रखा है ऐसे सोल्यूशन निकाल देंगे दूसरा यार ऐसा भी तो हो सकता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ फेज जीरो आ जाए यानी जो आपकी ए मैट्रिक्स है वो सिंगुलर हो सिंगुलर का तो ऐसे ही इनवर्स नहीं निकलता तो अगर आपका डिटर्मिनेंट ऑफ फेज़ जीरो आ रहा है तो आप देख रहे हैं ना आप एक्स को नहीं निकाल पा रहे हैं क्या हो रहा है डिवाइड में जीरो आ गया वन बाई जीरो तो एक्स तो निकल रहा है ये पूरी राइट हैंड साइड नॉट डिफाइंड हो रही है ठीक है तो जब आपका डिटर्मिनेंट ऑफ फेज जीरो आ रहा है उस टाइम पे आपको एक टर्म और निकालनी पड़ती है वो क्या है एडजॉइंट ए इंटू बी ये भी आपको निकालना पड़ेगा ठीक है फिर डिटरमिनेंट ऑफ ए की दो पॉसिबिलिटीज बनेगी कि जब डिटरमिनेंट ऑफ ए आपका जीरो आ रहा है तो दो कंडीशन वहां पर बनेगी पहला पहला कि एडजॉइंट ए इंटू बी निकालो और अगर ये नॉन जीरो आ गया देखो डिटर्जमेंट ऑफ ए तो जीरो ही है साथ में एडजॉइंट एन टू बी भी निकालना पड़ेगा अगर ये नॉन जीरो आया तो फिर आपका इनकंसिस्टेंट बैठेगा तो सिस्टम है वो इनकंसिस्टेंट बैठेगा दैट इज कॉल्ड नो सोल्यूशन ये क्लियर है मैं बताता हूं फिर से डिटर्जमेंट ऑफ ए आपका नॉन जीरो इसमें कोई फर्दर कोई केस नहीं है नॉन ज़ीरो आया सोल्यूशन निकलेगा भाई इस फॉर्मुले से सोल्यूशन निकाल देना हमने लेकिन जब डिटर्जमेंट ऑफ जीरो आ गया यानी जो ए मैट्रिक्स थी वो सिंगुलर हो गई उस टाइम पे आपकी दो पॉसिबिलिटीज बनेंगी आपको उसके लिए एडजॉइंट एन टू बी निकालना पड़ेगा अगर ये नॉन ज़ीरो आया तो इनकन्सिस्टेंट इसे आप नो no सोल्यूशन बोलोगे लेकिन अगर यही पार्ट एडजॉइंट ए इंटू बी ज़ीरो आया अगर जीरो आया तो भाई साहब फिर आपका ये सिस्टम कंसिस्टेंट भी हो सकता है और फिर ये इनकन्सिस्टेंट भी हो सकता है अगर वो कंसिस्टेंट हुआ तो आपको इनफनाइट मैनी सोल्यूशंस मिलेंगे अगर इनकन्सिस्टेंट हुआ फिर नो no सोल्यूशन मिलेंगे ये हैं पॉसिबिलिटीज बस इसे सीख लो कि क्या है वैसे ये आपके सिलेबस में नहीं है पार्ट टू वाला ये वैसे ही सिलेबस में नहीं है बट कंडीशन पता होना आपको जरूरी है रिटायरमेंट ऑफ है जीरो तो ए ज्वाइंट बी निकालना स्टार्ट कर दो नॉन जीरो आया इनकंसिस्टेंट नो सल्यूशन क्वेश्चन वहीं रोको एड ए एन बी इक्वल टू जीरो आया तो दो पॉसिबिलिटीज फिर बनेंगी जहाँ तो वो कंसिस्टेंट हो सकता है जहां फिर इनकंसिस्टेंट हो सकता है अगर वो कंसिस्टेंट हुआ तो वो डिपेंडेंट कंसिस्टेंट होता है जिसे आप इनफेनाइट बेनी सोल्यूशन बोलते हो ठीक है फिर वो कैसे निकालते हैं इन्फिनेट मैनी सोल्यूशन वो भी एक अलग मैथड है उसको हम निकाल सकते हैं बड़े आराम से अगर वो इनकन्सिस्टेंट आ गया वापस देन नो सोल्यूशन फिर वहाँ आप उसको हम रोक देंगे आधे समझ तो ये है कंडीशंस फॉर मैट्रिक्स मेथड अब हम इनको अप्लाई करते हैं एक सिंपल से क्वेश्चन पे जिसे आप ये कंफर्म कर पाए कि हमारा सिस्टम क्या है देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन ये मैंने वर्ड प्रॉब्लम ली है डायरेक्ट इक्वेशंस भी आपको दे सकते हैं लेकिन मैंने वर्ड प्रॉब्लम लिए मैं ये भी समझा देता हूँ यहाँ से इक्वेशंस आप कैसे बनाएंगे या आपके एन का क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन है एक्सरसाइज फोर पॉइंट सिक्स का इस तरह की बहुत सारी वर्ड प्रॉब्लम मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो इस मैथड की और यार मोस्टली आप वर्ड प्रॉब्लम की ही प्रैक्टिस करो क्योंकि इक्वेस अगर डायरेक्ट दिए हैं तो कोई बच्चा भी कर लेगा लेकिन अगर वर्ड प्रॉब्लम है वहाँ से इक्वेशन बना के फिर सॉल्व करना दैट इज़ वो है प्रैक्टिस वाला काम ठीक है उसको आपने करना अच्छे से वर्ड प्रॉब्लम प्रैक्टिस करनी है अब देखें इसमें क्वेश्चन क्या है द कॉस्ट ऑफ फोर के जी ओनियन थ्री के जी वीट एंड टू के जी राइस इज रुपीज़ सिक्सटी ओनियन है वीट है राइस है उनकी कॉस्ट जो टोटल है वो सिक्सटी रुपीज़ आ गई फोर के जी की थ्री के जी की टू के जी की द कॉस्ट ऑफ टू के जी ओनियन फोर के जी वीट सिक्स के जी राइस इज नाइन्टी फिर से कुछ अलग कंडीशन आ गई अब कॉस्ट नाइन्टी हो गई द कॉस्ट ऑफ सिक्स के जी टू के जी एंड थ्री के जी सेवेंटी रुपीज उन्हीं चीज़ों की टोटल सेवेंटी दाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर के जी बाय द मैट्रिक्स मैथड अब इस क्वेश्चन को बिना मैट्रिक्स मैथड से भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं अपने आप से इक्वेशन बनाओ एलिमिनेशन मैथड लगाओ हो जाएगा ठीक है अगर तो आपका पेपर एम सी क्यू आ रहा है एम सी क्यू की फॉर्म में यह क्वेश्चन आ गया तो फिर तो कोई मैथड लगाओ जरूरी थोड़े मैट्रिक्स मैथड ही लगाने ग्रैमर रूल लगाओ एलिमिनेशन मैथड लगाओ सब्सिट्यूशन मैथड लगाओ मैट्रिक्स मैथड की जरूरत नहीं ठीक है वो भी सारी चीजें मैं बताऊंगा कि एमसीक्यू को आपको किस मेथड से करना चाहिए सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा पहले हम इसको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करेंगे ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चे कॉस्ट ऑफ ओनियन वीट एंड राइस पर के के हिसाब से तो उनकी कॉस्ट ऑफ लेट कर लो एक्स वाई और जेड एक्स क्या है कॉस्ट ऑफ वन के रख लो ओनियन ठीक है जी वाई क्या है कॉस्ट ऑफ वन के फिर रख लो वीट जेड रख लो कॉस्ट ऑफ राइस वन के जी राइस ये सब लेट कर लिया अब लेट करने के बाद जो कंडीशंस हैं वहां से इक्वेशन बना लो बड़े आराम से बन जाएंगी फोर के जी ओनियन पहली कंडीशन थ्री के जी वीट एंड टू के जी राइस अगर एक के जी की कॉस्ट एक्स है तो फोर के जी की कितनी होगी फोर एक्स एक के जी की कॉस्ट अगर वाई है तो थ्री के जी की कितनी होगी थ्री वाई एक के जी की कॉस्ट अगर जेड है तो टू के जी की इतनी होगी टू जेड तो सबका जो टोटल है फर्स्ट कंडीशन में वो है सिक्सटी पहली क्वेश्चन बन गई ऐसे ही बाकी इक्वेशन बन जाएंगी यहाँ पर आ गया आपका टू के जी ओनियन फोर के जी वीट और सिक्स के जी राइस टोटल कॉस्ट आ गई इस पर नाइन्टी उसके बाद सिक्स के जी ओनियन टोटल कॉस्ट इसकी आ गई फिर टू के जी वीट और आपका थ्री के जी राइस इक्वल टू सेवेंटी तो भाई आपकी ये तीन इक्वेशंस बन गई तो अभी अभी जो मैंने आपको मैथड समझाया क्या उसमें टेक्निक है कैसे करना होता है तो पहले तो इक्वेश बन गई इक्वेशन बनाने के बाद क्या करना है इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लो जल्दी से क्या होती है मैट्रिक्स फॉर्म सर हमने यहाँ पर कोफ़िशेंट जो है एक्स वाई जेड के उसकी एक मैट्रिक्स बना लेनी यहाँ पर आपके वेरिएबल्स आ जाएंगे एक्स वाई जेड और यहाँ पे आपके कांस्टेंट आ जाएंगे क्या चल रहा है सिक्सटी नाइन्टी और सेवेंटी चल रहा है यस सर सिक्सटी नाइन्टी और सेवनटी ठीक है अब यहां पे कॉफिशन लिख लो सारे फोर थ्री टू ठीक है फोर थ्री टू सेकेंड रो में टू फोर सिक्स टू फोर सिक्स थर्ड रो में सिक्स टू थ्री सिक्स टू थ्री अब हम चेक करेंगे क्या सोल्यूशन आर भी रहे हैं या नहीं आ रहे तो जल्दी से हमने इनका नाम रख लिया ए एक्स इक्वल टू बी तो मैं यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ एड निकालने वाला हूँ तो फोर थ्री टू टू फोर सिक्स सिक्स टू थ्री जल्दी से एक्सपेंड कर दो रो वन से सर फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व सिक्स टू ज़ा ट्वेल्व ये तो भाई ज़ीरो आ रहा है माइनस थ्री ये चला गया सर टू थ्री ज़ा सिक्स टू थ्री ज़ा सिक्स 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 ज़ा थर्टी सिक्स लास्ट में आपका टू सर ये रो कॉलम चलेगी टू टू ज़ा फोर सिक्स टू ज़ा ट्वेंटी फोर तो पहला वाला तो ये ज़ीरो हो गया थर्टी सिक्स में से सिक्स सर माइनस थर्टी आ गया प्लस टू सर यहाँ पे माइनस ट्वेंटी आ गया सिंप्लीफाई कर रहे हैं सर थ्री थ्री ज़ा नाइन्टी ये प्लस हो गया और ये सर ये आ गया माइनस फोर्टी तो ये भाई फिफ्टी आ गया भाई नॉन जीरो आ गया नॉन ज़ीरो डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो क्या लिखेंगे क्या लिखेंगे सर हेयर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट जीरो तो कौन सा केस बना यूनिक सोल्यूशन वाला तो आप लिखेंगे देर फोर गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेश वॉट कंसिस्टेंट सोल्यूशन मिलने वाला है और कौन सा एंड हैज यूनिक सोल्यूशन एंड हैज़ यूनिक सोल्यूशन और सोल्यूशन कैसे निकाला जाता है सोल्यूशन इज गिवन बाय पहले डिराइव करके बता दिया आपको मैंने एक्स इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू बी ए इन्वर्स क्या होता है वन बाई डिटर्मिनेंट एड जॉइंट ए इंटू बी भाई इस फॉर्मूले से आप सोल्यूशन निकाल देंगे तो मेन काम है यार ये चेक करना यूनिक है कि नहीं है तो आपके तो यूनिक ही आएगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमेशा नॉन जीरो ही आएगा ठीक है कंडीशंस लेकिन सारी आपको पता रहनी चाहिए एम की फॉर्म में क्वेश्चंस अगर आया तो कंडीशंस वहाँ याद नहीं है तो फिर गड़बड़ हो सकता है चलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने निकाल लिया अब जल्दी से एडजॉइंट निकालते हैं एडजॉइंट के लिए क्या करना है मैट्रिक्स ऑफ को फैक्टर्स वो बनाए तो मैट्रिक्स ऑफ को फैक्टर्स ठीक है तो भाई कैसे बनाते हैं आप सी मैट्रिक्स उसका नाम सर ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री ए थ्री वन ए थ्री टू एंड ए थ्री थ्री ठीक है ये आपकी सी मैट्रिक्स ये मैंने को फैक्टर लिखे हैं अब इनकी वैल्यूज डालेंगे यहाँ पर तो कैसे बताया था मैंने कि शॉर्ट में कैसे करो यहाँ लिखो प्लस थोड़ी स्पेस छोड़ो फिर माइनस थोड़ी स्पेस छोड़ो फिर प्लस थोड़ी स्पेस छोड़ो फिर यहाँ पे माइनस फिर यहाँ पे प्लस फिर यहाँ पे माइनस फिर यहाँ पे प्लस फिर माइनस फिर प्लस ठीक है अब यहाँ पे को फैक्टर लिखने हैं ए मैट्रिक्स के ठीक है ए डिटर्जमेंट जो आपने बना रखा है तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ वो डिटर्जमेंट क्या है फोर थ्री टू टू फोर सिक्स फोर थ्री टू टू फोर सिक्स राइट फोर थ्री टू टू फोर सिक्स सिक्स टू थ्री सिक्स टू थ्री तो फोर का यहां पर आएगा को फैक्टर तो रो कॉलम चले गए फोर थ्री जो ट्वेल्व ट्वेल्व यहां पर आपका आ गया जीरो फिर आपका आ गया थ्री का ठीक है रो कॉलम चले गए सर थ्री टू जर सिक्स और थर्टी सिक्स यहाँ पे माइनस थर्टी आ गया सर रो कॉलम चले गए टू का निकाल रहे हैं ठीक है टू का सर रो कॉलम चले गए टू टू ज़ा फोर सिक्स टू जा ट्वेंटी फोर सर जी माइनस ट्वेंटी आता समझ डायरेक्ट लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है प्रैक्टिस तो आपने कर रखी फोर पॉइंट फाइव में डायरेक्ट लिख लो नहीं डायरेक्ट लिखना तो अलग अलग को फैक्टर निकालो वो आपकी चॉइस है अब मैं टू का फाइंड कर रहा हूँ तो रो कॉलम चले गए टू का रो कॉलम चले गए तो इसका आ गया अरे रो कॉलम चले गए थ्री थ्री ज़ा नाइन नाइन में से फोर यहाँ पे आ गया फाइव फिर सेंटर वाले का सर रो कॉलम चले गए फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व ट्वेल्व सर यहाँ पे जीरो आ गया लास्ट वाले का सिक्स का सर रो कॉलम चले गए फोर टू ज़ा एट सिक्स थ्रीज़ा एटीन एटीन में से एट चले गए सर माइनस टेन लास्ट वाले सिक्स का सर रो कॉलम चले गए सिक्स थ्रीज़ा एटीन एटीन में से फिर आपने एट माइनस कर दिया तो सर जी यहाँ पर टेन आ गया फिर टू का सर रो कॉलम चले गए रो कॉलम सर सिक्स टू ज़ा ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर में से फिर फोर चले गए यहाँ पर ट्वेंटी आ गया लास्ट वाला थ्री सर रो कॉलम चले गए फोर फोर जर सिक्सटीन सिक्सटीन में से सिक्स चले गए सर यहाँ पे टेन आ गया तो भाई ये आपकी सी मैट्रिक्स बन गई इसका करना ट्रांसपोज वो होता है आपका एडजॉइंट तो मेरे प्यारे बच्चे एडजॉइंट इज़ द ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स तो जो रो में लिखा है उसको कॉलम में लिखो सिम्प्लीफाई करते हुए यहाँ पे जीरो आ जाएगा यहाँ पे थर्टी आ जाएगा यहाँ पे माइनस ट्वेंटी आ जाएगा फिर आप लागे माइनस फाइव जीरो फिर यहाँ पे टेन आ गया लास्ट रो को कॉलम में लिख दो यहाँ पे टेन यहाँ पे माइनस ट्वेंटी यहाँ पर टेन तो दिस इज़ वॉट एडजॉइंट आगे क्या करना है इनवर्स वो तो पता ही यार तो एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इन टू बी एक्स आपका एक्स वाई जेड ए इनवर्स वन बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने क्या निकाला था फिफ्टी फिफ्टी फाइव फिफ्टी निकाला हुआ यस फिफ्टी तो इसको अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना अब यहाँ ठीक है इसको बाहर ही रखना यहाँ पे लिखो एडजॉइंट मैट्रिक्स ज़ीरो माइनस फाइव टेन थर्टी ज़ीरो माइनस ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी टेन और टेन और यहाँ पे बी मैट्रिक्स का इसको मल्टीप्लाई कर दो अब बी मैट्रिक्स क्या थी लास्ट में सिक्सटी नाइन्टी और सेवेंटी थी अब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ मैं मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूँ आपको ध्यान दें यहाँ मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ ठीक है वन बाई फिफ्टी आपने ही रखना है देखो इधर ये रो मल्टीप्लाई होगी इस कॉलम के साथ ठीक है तो ज़ीरो सिक्सटी से गया ज़ीरो ख़त्म माइनस फाइव नाइन्टी से जाएगा सर नाइन फाइव ज़ा फोर्टी फाइव फोर फिफ्टी हो गया फिर टेन जाएगा सेवेंटी के साथ सर सेवन हंड्रेड आ गया इसी तरह से थर्टी जाएगा सिक्सटी के साथ सर सिक्स थ्री ज़ा एटीन हंड्रेड आ गया सर ज़ीरो नाइन्टी ख़त्म हो गया ट्वेंटी सेवेंटी सर सेवन टू ज़ा फोटीन हंड्रेड ट्वेंटी जाएगा सिक्सटी के साथ सिक्स टू ज़ा ट्वेल्व सर माइनस ट्वेल्व हंड्रेड सर टेन जाएगा नाइन्टी के साथ सर नाइन हंड्रेड ओके अब इसका सेवन हंड्रेड भी आ जाएगा इसको अच्छा कर लो सिंप्लीफाई वन बाई फिफ्टी जल्दी बताओ सेवन हंड्रेड और फोर फिफ्टी करो माइनस सर ये आ गया हमारे पास सात चार तीन ढाई सौ ठीक है सर एटीन हंड्रेड में से फोटीन हंड्रेड सर ये हमारे पास आ गया फोर हंड्रेड सर ट्वेल्व और यहाँ नाइन और सेवन सर सिक्सटीन हंड्रेड सिक्सटीन हंड्रेड में से ट्वेल्व हंड्रेड चले गए सर फोर हंड्रेड अब भाई साहब 50 को अंदर वन बाई फिफ्टी को अब अब करो मल्टीप्लाई पहले नहीं मल्टीप्लाई करना है तो फ्रैक्शंस बन जाती हैं अब करो अंदर मल्टीप्लाई सर मल्टीप्लाई किया पहले वाले से सर ये आ गया फ़ाइव दूसरे वाले से मल्टीप्लाई किया सर ये एट आ गया सर तीसरे वाले से मल्टीप्लाई किया एट आ गया तो भाई एक्स वाई जेड की जो वैल्यू आ गई ठीक है वो आ गई एक्स वाई जेड जो मैट्रिक्स थी किसके इक्वल बैठी फाइव एट एट ठीक है मिनट फाइव एट एट एक्स वाई जेड इज इक्वल टू फाइव एट एट वाट इज एक्स फाइव वाई एट और जेड एट आता है समझ अब क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम थी तो लास्ट में बता दो कॉस्ट ऑफ वन के जी ओनियन कितना आया सर रुपीज़ फाइव दूसरे नंबर पे क्या था वीट कॉस्ट ऑफ वन के जी वीट रुपीज़ एट कॉस्ट ऑफ राइस कितना था सर रुपीज़ एट ही आया इसमें भी तो वीट और राइस का प्राइस सेम ही आया आ गया तो क्या कर सकते हैं क्वेश्चन है, है जैसा भी आएगा रखना है आई होप आपको ये समझ आ गया अब इस तरह से कितने भी क्वेश्चन आ जाएँ अप्लाई ऐसे ही करना है ठीक है फोर पूरे सारे क्वेश्चन आपने इस तरह से करने यहाँ पे ये पूछा है ना कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट बताओ वहाँ तक आपको सिर्फ डिटेरमिनेट ही फाइंड करना है अगर आपका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आ रहा है तो कंसिस्टेंट अगर ज़ीरो आ रहा है तो इनकंसिस्टेंट बस वो लिखना आपको ठीक है थैंक यू